भारतीय जनता पार्टी का चाल चलन और चरित्र आज सामने आ गया है। उनकी नीति है कि लोगों का उपयोग करो और फिर उन्हें छोड़ दो। मुख्यमंत्री शिंदे का भी वही होगा। उनका लोकसभा चुनाव तक उपयोग किया जा रहा है, यह कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंडे का। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर अध्यक्ष की तरह नहीं बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता की तरह बर्ताव कर रहे हैं। उन्होंने आगे क्या कहा, आइए देखते हैं। भाजपा का चाल चरित्र चलन जो है वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। बहकावे में आकर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जी ने अपनी अपनी पार्टियां तो तोड़ तो ली है, लेकिन आज जिस तरह का वीडियो महाराष्ट्र बीजेपी के ट्विटर हैंडल से आया है कि मैं फिर से आऊंगा, मैं पुनः यही, तो ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मुंह में राम और बगल में नथुराम, ये इनकी नीति है। यानी ये तय है कि इस्तेमाल करो और फेंक दो, तो इन दोनों का इस्तेमाल लोकसभा तक होगा। ये इस बात से भी स्पष्ट है कि राहुल नार्वेकर जी विधानसभा के स्पीकर के तहत काम नहीं कर रहे हैं, वो भाजपा के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। किसी तरह से एकनाथ शिंदे जी का निलंबन जो है वो आगे करना चाहते हैं लोकसभा तक, लेकिन हम दावे से कहते हैं लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी नहीं रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस अपना राजनीतिक षड्यंत्र सफलता के साथ पूरा कर फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और चेहरा भी अगले चुनाव का वही होंगे, यही उनकी नीति है। और एकनाथ शिंदे जी जिनके बारे में आज ऐसा कहते हैं कि चेहरा वही होंगे, चेहरा नहीं होंगे, वो कहीं नहीं होंगे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता का निर्णय जो है वो एकदम स्पष्ट है कि वो इनको आने ही नहीं देंगे। ये कितना भी कहेंगे मैं फिर से फिर आऊंगा, लेकिन जनता इन्हें आने ही नहीं देगी।